थाईलैंड में टाइगर के साथ खेल रहा हूँ, बहुत ही मजा आ रहा है गाइस। प्लीज बी काम बेबी, वाओ। दुकानें जितने भी लगे हैं ना बोट में, बोट साव दिखा। फाइनली ना एक अंकल जी मिला है, उनका कैब में ऐसा ना कुछ डिटेल्स है, मतलब यहाँ पर घूमने के लिए। एक्चुअली मैं वहाँ पर जा रहा था बस में, लेकिन आज मौसम इतना ज़्यादा गर्मी है ना, बस में घूम नहीं पाएंगे। तो अंकल जी को आज मतलब पूरा डे बुक करेंगे, फिर इसमें घूमेंगे, मतलब कहाँ कहाँ पर ले जाएंगे पता नहीं। सो गाइस अभी फाइनली अपना टैक्सी भी बुक कर दिया हूँ। अभी ना रास्ते में ऐसे जा रहा था तो गोलगप्पे दिखाई दिया, पानीपुरी। तो पानीपुरी यहाँ का ना 6 पीस का 60 भात, तो 1 पीस का 10 भात समझ लो। चलो अब गोलगप्पे टेस्ट करेंगे। गाइस फाइनली कुछ खाने को मिला है, इंडियन वाला अमेजिंग। गाइस टेस्ट तो इंडिया वाला ही मिलेगा ना, इंडिया वाला। सही टेस्ट है, सही। फॉर नाउ वेयर वी गो फर्स्ट? दिस या ओके, एवरीथिंग सेम प्लेस? या सेम प्लेस, वन प्लेट ओके। या नाइस गाइस, किशोर कुमार के गाने में चांदनी रात, दिस इज फेमस सॉन्ग इन इंडिया। किशोर कुमार लेजेंड, ओल्ड इज गोल्ड। तेरा नाम है क्या आएगी, याद रखना कभी अलविदा ना कहना। आज के टूर का सबसे पहला पॉइंट, हम आ गए थपाया सफारी में, एंड इसके अंदर बहुत सारे चीजें हैं एक्टिविटी करने के लिए। एंड गाइस सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं ना, थाई में ना हिंदुइज्म भी होते हैं, थाई के लोग हिंदू भी मानते हैं, एंड थाई के लोग बुद्धिज्म भी मानते हैं। देखो गाइस, हिंदू भगवान को पूजा करते हैं यहाँ पर, और ये देख के मुझे काफी अच्छा लगा। यहाँ पर देखो मछली, मछली जल की रानी है, कितना अच्छा है, सुंदर सुंदर मछली आवाज देखो, अमेजिंग अमेजिंग, लेट्स गो ब्रदर। इतना सुंदर सुंदर मछली आए, ओ माय गॉड, दिस इज सो मेनी वी हैव। ओ ओ ओ या आर्चरी फर्स्ट, ओके लेट्स गो। फर्स्ट एक्टिविटी यहाँ पर आर्चरी होने वाला है, एंड चलो फर्स्ट शॉट कैसा होता है। No. Oh. Oh, wow, guys, I did it. Now I will hit on yellow. ये दिखने में जितना आसान है ना उतना आसान नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड मेरा अभी से हाथ दर्द करना शुरू हो गया। 10 शॉट्स में से देखो एक बहुत ही अच्छा शॉट गया है, ये रेड वाला, यहाँ पर सीधा निशाना यहाँ पर लग गया। मैंने तो यहाँ पर एम किया था लेकिन यहाँ पर गया, एंड बाकी के शॉट्स आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर गया, और अब बाकी के नीचे गया। तो चलो गाइस ये हो गया ख़त्म, अब जाएंगे दूसरे एक्टिविटी करने के लिए। गाइस अभी मैं नेक्स्ट जा रहा हूँ, यहाँ पर ना रियल टाइगर, लायन, लाइगर एंड मंकी है, तो अभी फोटो खींचने वाला हूँ रियल टाइगर के साथ। सो गाइस जिंदगी में पहली बार टाइगर को टच करने वाला हूँ, तो लेट्स गो एंड हैव सम फन। गाइस यहाँ पर देखो हाथी मेरा साथी, देखो गाइस हाथी सफारी पे। सो चलो गाइस अभी हम देखने वाले रियल दिस टाइगर, लाइगर। ओ हेलो, आई कैन टच गाइस, देखो एकदम दिस फील सो गुड। हिज नेम इज मून, शी और ही, बॉय बॉय, ओके मून, वाओ। चिकन चिकन चिकन, मून लाइक्स चिकन वेरी मच गाइस, आई लाइक, थैंक यू, सावधी खाओ। बाय बाय, थैंक यू, खापन खाप। चलो गाइस छोटा सा ही सेशन था और फोटो वोटो हो गया है, लेट्स गो ना। हेलो बेटी, हाय बेबी, हाउ आर यू,
orangutan. What's your name? Karake. Karake. Karaket. Hi Karaket. How are you? Guys, kitne kid. Puppy. Bye bye. Sunum. Sunum. Oh guys, elephant. Main elephant ride to nahi kar raha hu, just dekhne ke liye aaya hu guys. It's so huge. Oh my god. Wow guys, kitna bada hai. It's so huge. अभी हाथी ने पोटी किया भाई, मेरे घर में इतना तो पिल्लो होते हैं, इतना बड़ा गिरा यार। हाथी मेरा साथी। सो गाइज अभी फिलहाल हम फिर से वापस जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन में, एंड यहाँ पर भी काफ़ी मज़ा आया गाइज, नए नए चीज़ें देखने को मिला, छूने को मिला, करने को मिला। स्पेशली वो जो ना टाइगर नहीं था, वो था लाइगर, लायन एंड टाइगर का जो मिक्स ब्रीड होता है ना लाइगर, उसके साथ मतलब थोड़ा बहुत वो हुआ, उसको मैंने टच किया, फोटो लिया, इट फील सो अमेजिंग। एंड ओरंगोटैंग देखा, फिर एलिफेंट, एंड अमेजिंग गाइज, यहाँ का प्लेस भी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही पीसफुल। अभी हमारे अंकल जी नेक्स्ट लोकेशन पे लेके आए हैं, जहाँ पर है फ्लोटिंग मार्केट। तो गाइज आप लोगों ने थाईलैंड में वीडियो में भी देखा होगा, हर जगह फ्लोटिंग फ्लोटिंग मार्केट होते हैं, और यहाँ पर फ्लोटिंग मार्केट में अभी क्या है पता नहीं, देखेंगे। वेलकम टू पटाया फ्लोटिंग मार्केट। हाय खापन खाप। इस देखो अभी ऐसे वाले एरिया में आ गए हैं, शायद ये फ्लोटिंग विलेज है शायद। तो फ्लोटिंग विलेज में फ्लोटिंग मार्केट भी होगा, चलो शायद यही है फ्लोटिंग मार्केट। लेकिन अभी हम ना बोट में घूमेंगे, मैंने बोट का टिकट ऑलरेडी बुक किया है, सो लेट्स गो, पहले बोट में जाते हैं फिर बाद में आके यहाँ पर देखेंगे। तो ऐसे बोट में घूमते घूमते अभी हम जाएंगे, दुकान एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे स्टॉल्स भी है, चलो शायद यही होगा हमारा बोट। थैंक यू। हेलो गाइज, अभी हमारा बोट चलना स्टार्ट हो गया है। एंड गाइज मार्केट्स यहाँ पर ऐसे देखे, इसको कहते हैं फ्लोटिंग मार्केट इन पथाया। लेकिन अभी शॉपिंग करना है तो फिर से बोट से उतरने वहीं जाना पड़ेगा, ये जस्ट घूमने के लिए है। देखते बगल में खाने पीने का चीज़ें भी मिल रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ से शॉपिंग ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि हम तो ऐसे घूम रहे हैं, बोट में जा रहे हैं ना, तो बाद में यहाँ पर उतर के फिर देखेंगे कुछ कुछ। बट ये मतलब बहुत ही यूनिक है क्योंकि ऐसा मार्केट हर जगह पर नहीं होता है, जैसे कि बोट में आप देख सकते हैं, दुकानें जितने भी लगे हैं ना बोट में है, बोट के ऊपर ही है दुकान भी। ये देखो जितने भी चीज़ें लगे बोट के ऊपर रखे हैं, एंड पूरे पूरे पानी के एरिया में सारे के सारे। तो गाइस ये ट्रेडिशनल हैट होगा शायद थाई का, ये पहन के तरह जाएंगे अभी। फीलिंग गुड। Namaste. Every night in my dream I see you, I feel you, I love you brother, love you guys. Ye dekho Saudi ka, Saudi cup, ulala ulala. Hello, how are you? Beautiful. अभी बोटिंग राइड हो गया खत्म। खापुन खाप। एंजॉय इट।
गाइस देखो मुझे ना एक्चुअली स्पाइडरमैन का सूट मिला था, बहुत ही अच्छा था। एंड शायद आप लोगों को पता नहीं मेरा फेवरेट सुपर हीरो स्पाइडरमैन है, एंड अगर मेरा साइज होता तो मैं बिल्कुल लेता, क्योंकि मैं प्रैंक वैंक करने के लिए ऐसा ढूंढ रहा था एक्चुअली स्पाइडरमैन का ना, मिला था लेकिन साइज थोड़ा सा बड़ा है ये। चलो अभी फ्लोटिंग मार्केट में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं। मुझे थाईलैंड का खूबसूरत लड़कियाँ तो नहीं बोलूँगा, लेडी बॉयज मिले, तो चलो फोटो वोटो ले लेते हैं। ओह स्पाइडरमैन, वाह आई लाइक, ही इज माय सुपर हीरो स्पाइडरमैन। आर यू सो टॉल? इट्स ओके माय बेब्स बेबी। भाई सब लोग ऐसा फोटो वोटो ले रहे थे। एंड गाइस फ्री में किस भी देते। एंड गाइस ये लोग ना मतलब लड़की नहीं है, तो यहाँ पर लेडी बॉयज बहुत ज़्यादा होते, तो ये लोग लेडी बॉय है। बाय बाय। यहाँ पर अंडा वगैरह क्या क्या मिल रहा है देखो, ओ स्प्रिंग रोल्स, पता नहीं क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर। ओके बनाना एंड एग, या सो गाइस सी मेक्स बनाना एंड एग हियर, तो चलो अभी ट्राई कर लेते बनाना एग। ओके 40 बात, नो नो ओके, ओ यू मेक विद दिस, या ओ वाओ वेरी नाइस। ओ अंडा और बनाना एक साथ में डाल दिया, नाइस वेरी गुड, खुशबू तो बहुत अच्छा आ रहा है, कुछ अमेजिंग ट्राई करने को मिल रहा है अभी नया फूड, लेकिन ये था यहाँ का स्पेशल फूड होगा। थैंक यू सो मच। सो गाइस अभी ट्राई करेंगे, अभी अभी बनाया गाइस, बहुत गर्मी है, गर्मा गर्म। मैंने बताया ना यहाँ पर हिंदुइज्म भी बहुत मानते हैं थाईलैंड के लोग, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं गणपति बाबा का मंदिर लगाया है बीच में, एंड बहुत ही बड़ा स्पेस रखा है, एंड यहाँ पर आप भजन सुन सकते हैं, नमो नमः गणपति बाबा, नमो नमः बाबा मोरिया। सो गण गणपति नमो नमः भजन यहाँ पर बज रहे है, देखो गणपति बाबा का मूर्ति देख के ना गाइस दिल खुश हो गया सच में यार, गणपति बाबा मोरिया, लव यू टू। You know the Ganesh ji? Yes. Ganesh ji? Ganesh ji. Oh, Ganesh ji, yeah. We in India, yeah. We worship Lord Ganesh. Right. Ah, yeah, yeah. Thank you, bye. Bye. Guys, अभी फ्लोटिंग मार्केट भी घूम लिया, बहुत मजा आया, एंड वहाँ पर ना एक बनाना खाया, इतना टेस्टी था, बहुत ही टेस्टी था। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन, जहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ में ना बुद्धा का स्टैचू या फिर बुद्धा का वो पेंटिंग या फिर कुछ भी बनाया है, एंड यहाँ पर बोलते हैं बिग बुद्धा टेम्पल यहीं से दिखाई दे रहा है, एकदम पत्थर में बनाया है बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का वो स्टैचू बनाया है, या फिर स्टैचू तो नहीं है, माउंटेन का ना मतलब कार्व करके बनाया होगा शायद, मैंने फोटो में देखा था। सो गाइस देखो यहीं से थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा होगा आप लोगों को, यहाँ पर देखो हम पहुंच गए हैं बिग बुद्धा टेम्पल के लोकेशन में, एंड यहाँ पर एक्चुअली टिकट विकट कुछ भी नहीं लगती, एकदम फ्री है, आप आराम से आके यहाँ पर यू नो पीसफुली घूम सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पर वेदर भी थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर ना एनवायरनमेंट अच्छा है, एंड ठंडी ठंडी हवा आ रहा है, मज़ा आ रहा है। हेलो फ्रॉम द फिलीपींस, महल किता महल किच महल चिंकिता, या फिलीपींस के लोग, मुझे फिलीपींस में दो ही वर्ड आता है, महल किचा मीन्स पता नहीं क्या है। वाओ दूर से तो छोटा नज़र आ रहा था, लेकिन गाइस ये इतना बड़ा है ना, कैसे बनाया होगा देखो, एक से पत्थर में वो भी, वाओ गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे पहाड़ में ना लॉर्ड बुद्धा का कार्विंग्स बनाया है, एंड इट्स रियली रियली पीसफुल, इट्स वेरी अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ही शांति है यहाँ पर। बहुत ज्यादा लोग चाइनीज इंडियन फिलीपींस बहुत ज्यादा लोग आते हैं।
सो गाइस अभी घूमते 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 लड़खड़ाते हुए हम पहुंच गए हैं टाइगर पार्क। टाइगर पार्क। सो गाइस अभी यहां पर मैंने टिकट ले लिया है एंड अभी यहां पर वेटिंग में हूं। और गाइस अभी टाइगर तो यहीं से दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर। एंड ना गाइस मैंने ना बिग टाइगर का टिकट लिया है। और इसके अंदर बहुत सारे टाइगर से देखा। चलिए अभी हम एंटर कर चुके हैं टाइगर जू में, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कहाँ पर जाना है। अभी बिग टाइगर के लिए मैंने बुक की है। एक्सक्यूज मी, सो गाइस देखो हमारा शेर वहाँ पर इंतजार कर रहा है हमारा। ये देखो भाई कितना बड़ा है, वाओ। क्यों How many? I'm from India. Okay. How many tigers we have? India or this state? Many. Yeah, this is our national animal. Halle, tiger. Yeah. Oh, you have name? Even. What's the name? Mapang. Mapang. Yes. And? Kungang. Kungang. Oh, we touch? Yeah, you can touch behind. So behind. Where to go? From over there. Okay. So guys, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइगर, पता नहीं टाइगर का नाम तो क्या है, लेकिन ना इन्होंने बोला है कि हम टच कर सकते हैं लेकिन ओनली बिलो पार्ट, जैसे कि वो आगे का पाव उसे ऊपर टच नहीं कर सकते। सो आई कैन टच, ओ माय गॉड लुक एट दिस नाइस पोज, थैंक यू। ओह लेट हिम सिट फर्स्ट। ओह Yeah? Yes. Okay. Please be calm, baby. Wow. Wow. Iska poonch dekho bhai. Wow, guys. The real tiger here. Wow, guys. Bahut hi maza aaya tiger ke saath. You train him? Yes. Oh, good. He do nothing? Bite? Can. He can bite. He is like angry sometime? Yes. Oh. Some. He is angry? Yes, they want to go down. So guys, ये ना सबसे बड़ा टाइगर यहाँ का यही है। This is the biggest tiger? Yes, this female tiger. Big tiger. भाई साहब कितना बड़ा है इसका सर तो, लुक एट हिज आईज सो ब्यूटीफुल। ओ जंप, हिज फ्रेंड, दिस इज बॉय या गर्ल? दिस इज बॉय, this is girl. Oh wow, what's the age of this tiger? 40 4 only 4 year. Yes. Oh my god, 4 year you this big? Yeah, young tiger. This is young tiger. Guys ye sirf 4 saal ka hai aur dekho kitna bada hai. Oh, adult cannot, adult cannot play. This is very danger. Then if we grow old, where you? In the cage. Only in the cage, no outside. Yeah. Oh, okay. Is more big than this? Then? Very big than this? Look, I think same this, but age is. Yeah, okay, yes. okay. So guys, ये tiger का ना mood पे depend करता है, मतलब क्या करना है कैसे करना है, and he is the trainer. जो मतलब एक ही लकड़ी से इसका ना सब काम तमाम कर देते हैं, मतलब एक ही लकड़ी एक इशारा इनका काफ़ी है, तो अमेजिंग है ना। चलो आज लाइव टाइगर को देखने को छूने को मिला। थाईलैंड में टाइगर के साथ खेल रहा हूँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस, रियली अमेजिंग, इट फील्स सो गुड गाइस। देखो शेर इतना काम इतना वो है, ही इज़ वेरी नाइस।
बहुत ही बड़ा है गाइस, दिस इज अ बिग टाइगर, बिग वन। और ये इसका उम्र सिर्फ 4 साल है, ओनली 4 ईयर्स, बट ही इट लुक्स सो ह्यूज। 4 साल में इतना बड़ा हो गया गाइस, ओ भाई। अभी काफ़ी अच्छा लगा टाइगर के साथ इंटरेक्ट करके, एंड अभी हम बाहर निकल रहे हैं। आज का सेशन कंप्लीट, टाइगर सेशन भी कंप्लीट हो गया है। ओह यस, ओह यस, थैंक यू, थैंक यू। सो गाइस, यहाँ पर एक्चुअली बहुत सारे कैटेगरी के टाइगर है, डिफरेंट डिफरेंट। वाओ गाइस, वॉक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और गाइस, यहाँ पर ना स्मॉलेस्ट कैटेगरी का टाइगर भी है, आप देख सकते हैं अंदर, ये बच्चे वाला है। गाइस, यहाँ तो इससे भी छोटा वाला है, देखो, वन मंथ। ओ भाई, यहाँ पर है देखो। हेलो, टाइगर पार्क में टाइगर भी देख लिया, टाइगर के साथ इंटरेक्ट, मतलब टाइगर देख के, टाइगर को छू के बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड आज दिन भर घूम के ना गर्मी में भूख भी लग रहा है। अभी हम जा रहे हैं बीच साइड एरिया, जहाँ पर अभी थोड़ी देर में स्ट्रीट फूड शुरू होने वाले है, एंड बीच में थोड़ा सा चिल करेंगे। इसलिए गाइस, मैंने ना चप्पल वगैरह सब लेके आए हो गाइस। चलो अभी मिलते हैं आप लोगों को बीच में। ओ भाई, यहाँ से बीच देखो, कितना अच्छा बीच है, ऊपर देखो, ब्यूटीफुल बीच, समुंदर के किनारे पहुंच गए। बीच एरिया में तो आ गए, लेकिन इतना गर्मी है ना भाई, क्या बताऊं। अभी जस्ट यहाँ पर देखेंगे, और जब सनसेट होगा ना तब आएंगे, तब मजा आएगा बीच में। समुंदर, क्योंकि थोड़ा बहुत मस्ती मजाक भी करना चाहिए। देखो, ये सही उड़ेगा पंछी हमारा, ये बन रहा है बेचारे, दीदी बेच रहे हैं ना, 150 बात का। ओ नाइस, मेरा लाल वाला पंछी। ओए, गिर गया।